बोलो स्टूडेंट्स, पूछना है किसी को कुछ? राहुल क्लास नहीं ले रहा क्या इन दिनों? पूछना है क्या बेटा कुछ उसने? कोई प्रॉब्लम है अभी तक पढ़ाए में? हर्षिता, अभी तक जितना चैप्टर पढ़ा है तुमने, चाहे तो उसके लिए पार्टिकल का कैलकुलेशन करना हुआ, कोई प्रॉब्लम है बेटा कुछ वगैरह में? नहीं तो अब आगे पैकिंग एफिशिएंसी, आज अपन पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट किए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो क्या तुम अच्छे से समझ ले इसको? एक बार सीख जाएंगे ना तो तुम एफसीसी के लिए अपने कोर्स के एफसीसी के लिए है, बीसीसी के लिए और सिंपल के लिए, तो सबसे पहले बिल्कुल बुक में आगे पीछे इसलिए समझ में कम आएगा, बिल्कुल अपन सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग अपन फर्स्ट जो है वो सिंपल के लिए, ठीक है? सिंपल कॉपी क्या प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसको आपने कहा था, सिंपल कॉपी यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, एससीसी जिसका नाम है, तो देखते हैं सबसे पहले पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए पहला काम होना चाहिए डायग्राम आना चाहिए। मैं इसके लिए ये क्रिएट कर रही हूं पैकिंग एफिशिएंसी फॉर सिंपल कॉपी यूनिट सेल। ओके, देखिए सबसे पहले डायग्राम आता है बनाना, क्यूबिक के क्यूब के लिए हर एक पार्टिकल कहां प्रेजेंट होगा, केवल और केवल कॉर्नर, यही होता है सेंटर के चेयर में। तो अब देखो ध्यान दो, अपने को जो पार्टिकल्स बनाने हैं वो बनाने क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग तुम्हें बताया था मैंने, क्लोज पैकिंग का मीनिंग होता है जैसे अभी मान लो तुम क्लास रूम में, जैसे गर्ल्स को मैंने बिठाया क्लास रूम में, तो बिल्कुल इतना टच होके बैठ रहे कि यहाँ से उनके कंधे जो है ना टच कर रहे हैं, तो अगर बोलेंगे कि गर्ल्स जो बैठे हैं वो क्लोज पैकिंग के होंगे, समझ में आ गई बात? अच्छे से क्लोज पैकिंग में कोई भी दो पार्टिकल कवर के बना दो जो आपको अच्छे लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, कोई से भी दो पार्टिकल, ठीक है? कॉर्नर के ऊपर शो कर दो क्लोज पैकिंग की फॉर्म, तो मैंने लगा दिया यहाँ ये पार्टिकल वन और यहाँ ये दो पार्टिकल, कोई भी कॉर्नर नहीं, स्पेयर के फॉर्म में लिया है मैंने, सर्कल फॉर्म में लिया है, तो स्पेयर के फॉर्म में ध्यान दो, ये वाली जो मैंने इसको मैंने ए मान लिया, इसके लिए जो रेडियाई है स्पेयर की रेडियाई जो है ध्यान दोगे स्पेयर की रेडियाई मैंने मान ली आर, तो इस डायग्राम से देखिए क्या ए इज इक्वल टू क्या कह सकते हो टू आर, मैं पहले ही तुम्हें बता दूं पैकिंग एफिशिएंसी फार्मूला याद कर ले ढंग से, फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100 यानी परसेंटेज एरिया में खाली तो इनटू क्या है आप वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100, नहीं याद रहे भूल जाए तो स्क्वायर का एस, एस बड़ा है अल्फाबेट में, एस बाद में आता है, एस बड़ा है, सी पहले ही आ जाता है, सी छोटा है, ए बी सी, तो जो छोटा होगा वो नीचे रहेगा, जैसे फॉर्मूला जब भी अपन लिखते हैं ना तो फ्रैक्शन में जब निकालते तो एस ऊपर रखना है, सी को नीचे रखना, छोटे वाले को नीचे ऊपर वाले अल्फाबेट को ऊपर रखना, ठीक है? बड़े वाले को वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100, समझ गए? सबसे पहले तो अपन वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर निकालते हैं कि क्या होता है, पढ़ा है मैंने क्लास में 6th क्लास में वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इनटू, ध्यान दो इनटू यहां नहीं होता, यहां पर इसके निकालते हैं कि ये पता होना चाहिए कि जिस क्यूब के लिए आप सॉल्व कर रहे हो उसके लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल को मैंने स्फीयर के फॉर्म में मान रखा है, वो पार्टिकल्स का नंबर कितना है, जब भी तो इससे पहले मैंने तुम्हें कॉन्ट्रीब्यूशन सिखाया था कि था पर यूनिट सेल के अंदर सिंपल क्यूबिक में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, पर यूनिट सेल में एफसीसी में कितने पार्टिकल होंगे, बीसीसी में कितने होंगे, तुमने देखा था पर यूनिट सेल में सिंपल क्यूबिक में कितने पार्टिकल होंगे, वन होता है, कैसे आया 1/8 होता है, एक का कंट्रीब्यूशन होता है और एक का कितना हो जाएगा इनटू ए मतलब कितना आएगा वन, तो यहाँ मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ पार्टिकल्स दी है कि कितने स्पेयर यहाँ हो जाए, ठीक है? तो इनटू आ गया पर यूनिट सेल में या एक स्पेयर एक पार्टिकल हो जाए, तो तुम्हारे पास वॉल्यूम ऑफ स्पेयर आ गया 4/3 पाई आर, तो प्रॉब्लम है इसमें नहीं है, हम नेक्स्ट स्टूडेंट को भी कैलकुलेशन को खुद ही करके दिखाओ, मेरे भरोसे बैठे रहे इसलिए आपको पास में होनी चाहिए तुम्हारे, ठीक
ठीक है, नेक्स्ट ठीक हो गया फर्स्ट। सेकंड देखो बेटा वॉल्यूम ऑफ टूथ निकालना, क्योंकि फॉर्मूला जो है अपने को जो जो चीजें चाहिए मैंने पहले वो सॉल्व कर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब टूथ के लिए वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, ए क्यूब ए इज इक्वल टू कितना है 2r, तुम्हारे पास आ जाएगा 2r क्यूब, इसको सॉल्व कर लो तो ए क्यूब टू इज मीनिंग ए और दूसरा ए 8r क्यूब, रखो दोनों की वैल्यू फॉर्मूले में हमारे पास आ गया पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर बाय 4 बाय 3 बाय r क्यूब इनटू में 100 लगा हुआ है और अपॉन में आ गया हमारे पास 8r क्यूब। यही है क्या, देखो r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, तो मेरे पास जो बचा है उसको तुम सॉल्व करके बता दो फटाफट, मेरे पास ऊपर तो रह गया पाई, कितना होता है पाई का, पाई की वैल्यू होती है 3.14 या 22/7, एक ही बात है 3.14 अपॉन 3 पूजा कितना रह गया 6, पॉइंट हटाते इधर आ जाएगा 100, पॉइंट हटाते 100 से 100 गया कैसे, डिवाइड करके बताओ 3.14, 3.14 को 6 से डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है, 3.4 को 6 से, ये आंसर बुक में देखे नहीं बताए, बुक में हो सकता है कि मैम पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन एक ही है क्या, बेटा एक ही बात, चाहे पैकिंग फ्रैक्शन के दो चाहे पैकिंग एफिशिएंसी के दो, ओके आ गया समझ में, फटाफट बता देंगे ये कैलकुलेशन सॉल्व कर, 3.4 डिवाइड बाय 6 से कितना आ रहा आंसर, राहुल सॉल्व किया है बिल्कुल सही आ गया 52.33%, जैसे बुक में देखो ध्यान से 52.333% आएगा, बुक में कई जगह है कई बुक में 52.4% भी लिखा हुआ है, तो 52.4% तो जब आता जब टू के आगे कोई लार्ज नंबर जैसे 5 से अगर होगा तो उसको फोर कर देंगे, तो यहाँ 333% आ रहा है तो फिर उसको हम फोर थोड़ी करेंगे, 52.4% कई बुक में समीर बिल्कुल सही है 52.3 होगा, कई बुक में केवल 52 भी लिखा हुआ है, कई बुक में 52.4 भी लिखा हुआ है, ठीक है ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होगी 52.3% एक्यूरेट अपन लिखे, समझ गए किसी को प्रॉब्लम है सिंपल करने के लिए पैकिंग एफिशिएंसी इजी बात है, ठीक है अब अपन देखते हैं एफिशिएंसी, ये थोड़ा सा समझ में आएगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना कुछ डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ नहीं करना डायग्राम में बनाते हैं, अब अपन पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं एक्सिस में, कैसे निकालोगे ध्यान दो, सबसे पहला काम फॉर्मूला भी दिमाग में होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ स्पेस, तो मैं पहले तो डायग्राम बनाने का काम, डायग्राम तो स्पेकिंग में होना चाहिए पहले सुनिए, वो डायग्राम कोई एक्सिस की जो मैंने वहां से पाया था वो बना ले लिया, क्लोज पैकिंग का मीनिंग सबसे पहले तो एफसीसी कॉर्नर पे होते हैं हर एक फेस पे प्रेजेंट होता है, अब यहाँ किसी भी एक फेस का ले लो और उसके अपोजिट कॉर्नर का बना, जैसे सपोज करो इसका वन यहाँ फेस पे प्रेजेंट होगा क्लोज पैकिंग, टू और ये आ गया थ्री, देख लिया किस फेस का ले लिया, वन ऊपर वाले फेस का ले लो इधर वाले का ले लो ऊपर फेस का ले लो, इनको मैंने इस तरीके से सेंटर से मिला दिया, ध्यान दे ये वाली डिस्टेंस वहां तुमने मानी थी a, टू के लिए हर एक सबके लिए लाइन इक्वल होती है ये भी a है, लेकिन अब जो मैंने नई बनाई है डैश डैश वाली लाइन ये a इधर वाली a है ये भी है सारी a, ये जो मैंने बनाई है इसको मैंने मान लिया सपोज करो, अब मुझे ट्रायंगल बना हुआ दिख रहा है, इस ट्रायंगल का नाम है a बी सी, समझ गए ठीक है, अब ध्यान दो सबसे पहले अपन इस फॉर्मूले की बात करते हैं, अपने फॉर्मूले में मुझे दो चीजें चाहिए वॉल्यूम ऑफ स्पेयर चाहिए सबसे, तो तुमको पहला होना तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या करना है, फॉर्मूला होता है 4/3 πr³ में कितना लिखा जाएगा बताओगे, इनटू नंबर पार्टिकल विच इज प्रेजेंट इन पर यूनिट सेल इन एक्सिस, वेरी गुड चार, समझ गए चार पढ़ा था पहले, क्योंकि 1/2 इनटू 6 तो हो गया था मैं 6 के लिए 3 को
और 1 by 8 8 हो गया तो फोर बार के आगे इसमें तो मेरे पास दोनों को स्क्वायर तो आ गया 16 upon 3 pi r cube. दूसरा काम करते हैं अपन वॉल्यूम ऑफ क्यू, वॉल्यूम ऑफ क्यू जो कि होता है क्या a. अब की बार मेरे पास a is equal to 2 r cube है, मेरे को इस बार भी a और m और m के लिए मुझे a की वैल्यू निकालना है. ए देखिए इस बार पहले तो वहां सीधा सीधा कॉर्नर का बेस पे, इस बार कॉर्नर के साथ साथ स्क्वायर बीच में भी है बेस पे भी है, तो इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे. इसके लिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने के लिए मैंने देखा ट्रायंगल ए बी सी, तुम सब भी देखो ए की बात कर रहा हूं बी क्या जो मैंने लिखा है तुमने उसमें ये बात सही कर रही है क्या. बी सी स्क्वायर इज इक्वल ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर. देखो जो मैंने लिखा है क्या वो हमें सही लग रहा है. देखो ये रहा ट्रायंगल ए, ये बी और ये सी. देखो बी सी की वाला बेस पाइथागोरस इक्वेशन पढ़ेंगे हमने, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ही लिखा है. बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, समझ गए. अब ए सी तो कितना है, ए है, ए बी भी क्या है ए है, लेकिन बी सी को मैंने क्या मान लिया बी मान लिया, इसकी जगह मैंने लिख लिया बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. कोई दिक्कत आई क्या नहीं है. तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या ए स्क्वायर हो गया क्या, बी इज इक्वल टू रूट टू ए लिख दी, कोई प्रॉब्लम है नहीं. अब बी पे चलो, इस बी को हटाने मेरे पास केवल आर होना चाहिए रेड है तो नीचे ए होना चाहिए, देखो डायग्राम में तो क्या मैं बी की जगह स्पीकर में देख करके डायग्राम में देख करके क्या फोर आर सॉरी तो फोर आर इज इक्वल टू ए देख सकते हैं अपन. तो ए इज इक्वल टू निकाल दो यहाँ से, ए इज इक्वल टू हो जाएगा फोर आर अपॉन टू, यही वैल्यू आई ए इज इक्वल टू. अब ए की लगा दो उसका रूट करके लिख दो तो अब आ जाएगा तुम्हारे पास वॉल्यूम ऑफ लगेगा अपना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा तुम्हारे पास ए क्यूब. ए क्यूब का मैंने फोर आर अपॉन रूट का क्यूब, तो फोर इंटू फोर 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 सिक्सटीन और सिक्सटीन इंटू फोर हो जाएगा सिक्सटी फोर आर क्यूब अपॉन में टू 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 इंटू टू इंटू तीन बार इंटू हो जाएगा टू इनटू के अंदर आ जाएगा, ठीक है आगे समझ में. तो ये हो गया तुम्हारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब. अब फॉर्मूले तुम्हारे पास में दोनों वैल्यू मैंने बता दी, स्क्वायर भी आ गया वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100 दोनों वैल्यू लिख दो और निकालो. पहले मुझे ये बताओ कि जो मैंने समझाया है वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है क्या वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना, क्योंकि फिर मैं ये बता दूंगी फिर नहीं समझ में आएगा. पहले पूछ ले, डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले, डायग्राम बनाने के बाद सब अपने आप क्लियर हो जाएगा. किसी भी फेस के ऊपर क्लोज पैकिंग बना दो, ठीक है. क्लोज पैकिंग बनाने के बाद जैसे ही तुम उनको मिलाओगे सेंटर पॉइंट से उसको कुछ भी ए ए तो होंगी ये सारी एंड जितने भी पर मान रहे हो तो ए है, तो इस नई को जो तुमने बनाया है सेंटर मिला के उसको बी मान लो कुछ भी मान लो. फिर अगर पाइथागोरस इक्वेशन से लिखते थे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो b स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2a स्क्वायर तो b इक्वल हो जाएगा 2a और b की ये लैग देखो यहां से यहां तक 4r आ गई तो 4r इज इक्वल टू 2a तो a इक्वल हो जाएगा हमारे पास 4r. बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या. समीर विवेक अर्शिता पूछना है क्या बेटा कुछ वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने में कोई दिक्कत आ रही है, रख तो भी रखा करो पास में.
ये सारी कैलकुलेशन आज बिना देखे करना बंद करके, जब पता चलेगा कि तुमने आपका बीए किया था बुक में देख करके सभी निकाल लेंगे पैकिंग एफिशिएंसी कर लिया। आप देखिए अपना आंसर क्या करता है, वॉल्यूम ऑफ क्यू और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को निकालिए, स्फीयर का कितना था हमने बता दिया क्या है, तो भाई स्फीयर का आएगा 16 क्या आएगा अपने पास था 3.99। कैलकुलेटर मेरे बेटा है क्या, पॉइंट के आगे इतने सारे डिजिट निकाल रहा है इसका मतलब कैलकुलेटर लेके बेटा मैं राहुल, कैलकुलेटर है क्या तुम्हारे पास, नहीं तो फिर इतनी जल्दी जल्दी दिमाग कैसे चल रहा है। ठीक है अच्छा चलो देखो, तो ये बता मुझे तुमने रूट टू की वैल्यू कितनी लिख दी, रूट टू को सॉल्व किया है या वैसे भी कट कर लिया, टू 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 मान ऊपर नीचे रूट टू निकाल लगा लिया होगा तुमने, रूट टू की वैल्यू कितनी होती है 1.414। हाँ ठीक है 1.414 तो सही है, इसको 3.14 1.414 414 100 अपॉन 6 सॉल्व कर लेना भाई, जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आंसर 73.99% ही आएगा, जिसको अपन अप्रोक्सीमेट 74% मानते हैं। अगली बार अच्छे समझ में, ये बेटा एफसीसी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी कंप्लीट, समझ गए कोई दिक्कत अबाउट बीसीसी कर लेना ये वॉकर पे काम, जिसके पास अलग ही देखो इस चैप्टर के नोट्स मैंने पहले ही भिजवा दिए, जब मैं पढ़ा रही थी उस समय हो सकता है तो उन्होंने क्लास नहीं ली क्योंकि काफी लंबे टाइम हो गए इस चैप्टर को पढ़ाया, शायद जुलाई में पढ़ाया होगा, तो जिनके पास नोट्स नहीं है वो पढ़ो सबसे बेस्ट नोट्स है कि लैंग्वेज बहुत अच्छी है, या फिर पांडे जी ने जो लोग उसकी नोट्स भेजे थे उनसे पढ़ लो, वो नहीं समझ में आ रहा है तो उसको डिफिकल्ट लैंग्वेज लगती है उससे पढ़ लो, समझ गए। ठीक है उसके बाद देखो ध्यान दो, अभी उससे बेटर कोई चीज नहीं है बेटा, लैंग्वेज भी बहुत इजी है, अब अपन पढ़ेंगे अब आ जाओ बीसीसी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी, तो इसका मतलब तुम समझ रहे हो कि पैकिंग एफिशिएंसी तो तुमने अगर 52.3% निकाली थी सिंपल कुकिंग के लिए, उसका मीनिंग समझते हैं, उसका मीनिंग ये है कि सिंपल कुकिंग की रिक्वायरमेंट में 52.3% पार्ट पे ओनली पार्टिकल्स प्रेजेंट है, बाकी पार्ट वैकेंट है, समझ गए। ऐसे ही एफसीसी में केवल 73.99% पार्ट के ऊपर पार्टिकल्स प्रेजेंट है उस एरिया में, बाकी का वैकेंट है। जैसे तुम्हारे क्लासरूम के लिए मैं पैकिंग एफिशिएंसी निकालूं तो कम स्टूडेंट होंगे, मान लो 50% क्लासरूम में स्टूडेंट बैठे हुए 50% आज पैकिंग एफिशिएंसी बायो के रूम की या फिर मैथ के रूम की, बाकी का पार्ट है, समझ में आ गई बात उनसे। अब अपन निकालते हैं बीसीसी, ध्यान दो बीसीसी बॉडी सेंटर पहला काम की डायग्राम या बच्चे बिना डायग्राम को कुछ एक लाइन भी नहीं कर सकते, ठीक है। बीसीसी मतलब समझ रहे हैं बॉडी सेंटर यूनिट से ट्राइंगल को बना लेने चाहिए, देखना देखिए बॉडी सेंटर यूनिट समझ रहे हैं, सेंटर के अंदर होगा एक पार्टिकल, क्लोज पैकिंग की ये बनाना है तो क्लोज पैकिंग देखना है, ये बना दिया मैंने सेंटर, इसके अपोजिट ले लो कॉर्नर, ये ले लिया कॉर्नर ये ले लिया कॉर्नर, इनको कह दिया मैं सेंटर से मिला दे, आओ भाई मिलाओ, ये सेंटर से मिलाया, तुमने मिलाने के बाद क्या कुछ ट्राई कर रहा था कि ट्राई कर पे कह दे कि हाँ दिख रहा है यहाँ से यहाँ नहीं है यहाँ से यहाँ नहीं है ये यहाँ से यहाँ होगा,
लिए मुझे एक नई लाइन यहाँ पे खींचनी पड़ेगी। अब इसका बेस ये देखिए, तो मतलब मेरे पास ट्राइंगल जो बन रहा है ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, और एक नीचे ट्राइंगल ओ है, देखो जिसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूँ ताकि मैं समझ में आए कि मैंने नई लाइन कौन सी बनाई है बेस बनाने के लिए। अब देखो ए बी ए है, तुम्हें पता है ये ए है, ये ए है, ये ए है, सब ए है, ये ए है, ये वाली जो ट्राइंगल है यहाँ से यहाँ तक ये भी मेरा ट्राइंगल है। तो आप देखिए नई जो हाईलाइट कर रहे हैं लाइन खींची तो वो तो ये है, उस बेस को क्या मान लो बी मान लो। तो फिर ये जो तुमने नया डैश डैश खींचा है जो सेंटर में लाइन उसको सपोज करो मैं सी मान लो, समझ गए। देखो डायग्राम एक बार तुम सेंटर में तुम्हें डायग्राम बनाते ही सब कहानी समझ में आ जाएगी। जैसे तुम सेंटर में सबसे पहले बनाओगे पार्टिकल स्फीयर की फॉर्म में बनाने, बनाते जब तुम उसकी कॉर्नर पे क्लोज पैकिंग लगाओगे लगा करके तुम सेंटर से मिलाओगे तो मिलाते ही तुम्हें पता चल जाएगा कि वो किसी ट्राइंगल को नहीं बनाना, रीजन उसका बेस यहाँ जाकर खत्म हो जाएगी। ये तो यही है मतलब जब होता, तो इसलिए अपन एक नई लाइन और बना देंगे नीचे जो हाईलाइट वो फिर बी उसकी लाइन, बाकी ये ए है ये ए है। तो तुम डायग्राम में देखो मैंने देखा क्या इस डायग्राम से, पहले तो अपन वो लिखो वो स्क्वायर लिखे ताकि पहला नाम अपना हल्का हो, 4/3 πr3 में बोलो कितना आएगा, इनटू बोलो कितना आएगा यहाँ 2, बिल्कुल सही समझ गए। आज प्रॉब्लम का ध्यान से पढ़ रहा है मुझे लग रहा है तो ऊपर आ गया 8/3 πr3 बिल्कुल नाम सही हो गया। अब चलते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्लो को निकालने के लिए काम करना पड़ेगा, तुम्हें सी का पता होना चाहिए। तो पहले तो ये देखो ये बी डायग्राम से देखो हम के कर डायग्राम से देखा मैंने तो क्या मैं ये कह सकती हूं b² = a² + a² देखो सबसे पहले पहले b निकालो बेस निकालो ठीक है, ये लेंथ वगैरह पता चल गया लेंथ की मान लो ए होगी तो b² a² a² हो गया तो b² = तुम्हारे पास आ रहा है 2a². अब ट्रायंगल ए बी सी में ये वैल्यू रखो ये सी रहा है पाइथागोरस इक्वेशन से देखा तो c² = हो गया b² + a² ये रहा b² ये रहा a² तो ये तुम्हारा c² समझ गए। तो अब देखो क्या c² = b की वैल्यू यहां से रखो तो ऊपर तुमने निकाला 2a² + a² मतलब c² = 3a² और c = हो गया 3a जैसे वहां b निकाला था यहां से आ गया c = 3a। अब c की वैल्यू क्या आ गई यहां से स्क्वायर देखो इसकी क्या होगी a का बीच में कसा हुआ इसकी हो गया 2r जिसका पूरा डायमीटर ही रहेगा और ये हो गया और इनकी साइड वालों की जो बॉर्डर पे होगी केवल रेड ही कम होगी तो टोटल c की जगह आ गया 4r = 3a और a मुझे जो चाहिए था मेरे पास आ √3 समझ गए। अब अपना फॉर्मूला लगाए वैल्यू करें देखो इस डायग्राम में क्या हो गया ये वैल्यू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला है पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ए बाय आर क्यू इनटू के 100 हमेशा लगाए कि परसेंटेज में निकाल रहे और ये रहा आपका वॉल्यूम ऑफ क्या आया भाई ए एक होगा मैंने 4r यानी इनके बार में वॉल्यूम ऑफ टू पर अलग से वो लिख दिया ना वॉल्यूम ऑफ टू इज इक्वल टू a³ और a³ का मैंने 4r / 3 का क्यूब तो इसका हो गया 64r³ a³ में 3 √3 बचा है यही हुआ क्या। थोड़ा सा सॉल्व कर ले इसको r को क्या कैंसिल हो जाएगा यहां आ गया a क्या आएगा 3 से 3 कैंसिल तो ऊपर तो मेरे पास रह रहा है π/100 √3 और नीचे रह रहा है मेरे पास a। राहुल सॉल्व कर बेटा √3 की वैल्यू होती है 1.732 1.732 √3 का मान होता है हाँ मिल बोलोगे तो क्या आंसर आएगा मेरे पास राहुल
67.9% आ रहा है क्या आंसर? अरे और भी कुछ कर रहे हैं या सुन रहे हैं बैठे बैठे? जैसे तो रामायण महाभारत छोटी को आराम से सुन रहे हैं। मैंने पहले ही कह दिया था ये चैप्टर चैप्टर पढ़ाओ और कॉपी पास में होनी चाहिए ताकि सॉल्व कर सको। मैं तुम्हें देख नहीं सकती, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बैठे रहोगे आराम से। ध्यान दो 67 इसको सॉल्व कर लेंगे 3.14 × 100 × 1.732 / a कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे आंसर आएगा तुम्हारे पास चारों के पास आ गया 67.9 जिसको अपन एप्रोक्सीमेट 68% है। अब बोलो बताओ तीन के लिए पैकिंग एफिशिएंसी सीखी है तुमने, एफसीसी के लिए, बीसीसी के लिए और एससीसी के लिए सिंपल। बताओ सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किसके लिए आई? बोलो फटाफट पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा किसकी है? एफसीसी की। दिख ही रहा है कितने परसेंट है? 74%। राहुल एफसीसी के लिए 74%, बीसीसी के लिए अप्रोक्सीमेट 68% और उसके लिए 52.3%। समझ गए? आप 52 भी लिख सकते हो, 52%। अब ध्यान देंगे इसके मेरे बात पे। देखो एफसीसी की जगह मेरे पास एक्सी प्लस सीपी का आता है, एक्सीसीपी या एफसीसी तीनों के लिए पैकेज एफिशिएंसी इक्वल होगी। रीजन में ये एससीपी और सीसीपी बनाया था ना एग्जांपल के लिए पॉइंट, तो तीनों में इनको लगा करके देखो हर एक पार्टिकल एग्जांपल में किसी एक पार्टिकल को लो कितने पार्टिकल के टच में था 6 ऊपर रहने वाले नीचे रहने वाले कॉर्नर वाले फेस वाले सबके एंड के बीच में ठीक है। तो चाहे एफसीसी के लिए पूछ ले चाहे एग्जाम में सीसीपी के लिए पूछ ले वही सिंपल क्लोज पैकिंग वाले के लिए और ऐसे भी एग्जाम में क्लोज पैकिंग के लिए उनके लिए सबके लिए वही तरीका होगा सेम, क्योंकि जो अपन हेक्साग्रल वाली स्ट्रक्चर में कर रहे हैं तो सेम वही पार्ट को टच है उसको टच करने वाली पार्ट को देखो बार आएगी। समझ में आ गई बात? ठीक है आप देखो और कोई प्रॉब्लम है क्या भाई किसी को क्लोज पैकिंग या पैकिंग एफिशिएंसी निकालना पैकिंग फ्रैक्शन ये की बात होती है? ठीक है सोलो आज बुक को बंद करके फिर उसके बाद में सॉल्व करना जब जाकर के बैठेगा ये दिमाग। डेंसिटी का तो छोटा सा फॉर्मूला है मास और वॉल्यूम एक मिनट में निकल जाएगा। इससे पहले पैकिंग एफिशिएंसी की पूरी कैलकुलेशन हो। बोलो तीनों में से कोई रिवाइज करना है क्या? आज अच्छे से पढ़ लेना कल दोबारा भी पूछ सकते हैं कि मैडम बीसीसी का बता दो या एफसीसी का बता दो। अभी के लिए बोलो कोई ऐसा है जो तुम्हें नहीं समझ में आया हो? हर्षिता बोल बेटा कौन सी पैकिंग एफिशिएंसी है या किसी का डायग्राम ऐसा डायग्राम नहीं समझ में आएगा तो तुम पैकिंग एफिशिएंसी कहां से निकालोगे? बोलो पूछना है हर्षिता? नहीं पूछना। अब ध्यान दे मैं तुम्हारी क्लास में बहुत कम बच्चे छूटते हैं 13-14 बच्चे क्लास आते हैं यहाँ आ रहे हैं तो 30-40 बच्चे आ रहे हैं उनको बोलो क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हैं क्लास में ले रहे हैं इधर। ठीक है और ध्यान दे नहीं है किसी को पैकिंग एफिशिएंसी के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे आराम से। ठीक है कैलकुलेशन देख ले उसके बाद में आराम से ठीक है न्यूमेरिकल भी तुम लोगों को बहुत फायदा होगा न्यूमेरिकल तो इजीली सॉल्व करके आप करवाओगे ये सारे वैल्यू वगैरह भी ढंग से आ गए आज देखना बुक के न्यूमेरिकल पीछे या एफसीसी वगैरह के लिए वॉल्यूम ऑफ निकालो या बस स्क्वायर का वॉल्यूम बताओ वो चीज तुम्हारे न्यूमेरिकल वाले पार्ट में भी काम में। ठीक है इसके बाद एक डेंसिटी का टॉपिक और दिया हुआ है आपका छोटा सा जो अपन पढ़ रहे हैं डेंसिटी को कैसे कैलकुलेट डेंसिटी क्या होती है डेंसिटी होती है मास और वॉल्यूम और मास क्या होता है मोलर मास। अपन जैसे किसी के लिए मान लो मास और मोलर मास मास कैसे निकाल लेंगे वो मान लेंगे और अपन डेंसिटी डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए एक दो टॉपिक रह गए डेंसिटी का है और एक जो है आपके वो है वॉइड्स का। अब वॉइड्स
क्वेश्चन नंबर बता दूंगी मैडम, ये क्वेश्चन हमें बता दो।